नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंथली करंट अफेयर्स की हमारी एक सीरीज चलती है और इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में मार्च 2024 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी आप इस वीडियो में देखेंगे। सभी सिलेक्टेड प्रश्न होंगे और सभी की जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देंगे और ये हम प्रयास करेंगे कि मिलते जुलते फैक्ट यानी कि जो अतिरिक्त फैक्ट होंगे उससे संबंधित वो चीजें भी यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ फाइल आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो हम देख रहे हैं ये मार्च 2024 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है। देखिये, पहला प्रश्न है कि 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार के किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। मार्च 2024 के करंट अफेयर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है। मरणोपरांत अभी हाल ही में 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में जो राष्ट्रपति वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा कर्पूरी ठाकुर को जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अब इनसे संबंधित तथ्यों में ध्यान से देखिएगा, बहुत जानकारी छुपी हुई है जहां से एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति भवन में 30 मार्च 2024 को आयोजित कार्यक्रम में कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को सर्वोच्च सम्मान, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इससे सम्मानित किया गया। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं चार नाम जिनमें की कर्पूरी ठाकुर, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। इसमें एक और नाम शामिल है लाल कृष्ण आडवाणी, हालांकि उनकी तबियत खराब थी, इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए थे, तो इसी वजह से अगले दिन यानी कि 31 मार्च को उनके आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कुल मिलाकर 2024 में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। देखिए यहां पर एक चीज ये भी आपको समझना है, प्रत्येक वर्ष 3 ही लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, लेकिन पिछली बार 2019 में जो दिया गया था उसके बाद से भारत रत्न नहीं दिया, तो पिछला जो भी ईयर छोटा हुआ उसी को यहाँ पे एक प्रकार से बैकअप को पूरा करते हुए यहाँ पर ध्यान रखते हुए इसकी घोषणा हुई। क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की, तो ये तमाम जो पॉइंट यहाँ पर हमने लिखा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 24 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व दिग्गज समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शताब्दी जयंती है इनका। आगे हमने लिखा है कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में, फिर 1977 में जनता पार्टी से वे मुख्यमंत्री बने थे और उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान और साथ साथ सुशील मोदी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। एक अतिरिक्त जानकारी यहां से आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको ये बता दूं कि 1977 में जब ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में, जो आप यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी को देख रहे हैं, इन्हीं के कार्यकाल में बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि वो 2 साल तक ही संचालित हुआ, उसे भंग कर दिया गया। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है ये किस मुख्यमंत्री द्वारा सर्वप्रथम लागू हुआ था, आप लोग गलती से नीतीश कुमार आंसर मत कीजिएगा, आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। 1977 में ये लागू हुआ था और 1979 तक ये मतलब बिहार में लागू था शराबबंदी। हालांकि अभी जो शराबबंदी लागू है इसको लेकर तमाम जानकारी हम आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त बातों को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी जो हम भारत रत्न की बात कर रहे थे, तो भारत रत्न के अतिरिक्त पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई, वो भी मतलब सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर सवाल यह है कि पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो 3 पुरस्कार है, तो इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आते हैं, तो इन सभी को यहाँ से ध्यान दीजिएगा। हमने अगला पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट लिखा कि इस बार 110 को पद्मश्री, 5 को पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण पुरस्कार, यानी कि कुल 132 हस्तियों को सम्मानित किया जाएंगे या फिर किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर पूरे भारत से अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 132 महान हस्तियों को ये सम्मानित किया गया। अच्छा, इस वर्ष 2024 को ध्यान रखते हुए बिहार के संदर्भ में बात करें, एक तो भारत रत्न आप लोग जान चुके हैं, इसके अतिरिक्त अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें जिसमें ये 3 पुरस्कार आते हैं, एक होता है पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और अगला अंतिम जो होता है ये होता है पद्मश्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी को देखिए। देखिए पद्म विभूषण की बात करें तो बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा, एक दो बातें यहाँ पर यह भी है कि बिंदेश्वर पाठक बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले थे, 2023 में इनका निधन हुआ और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1970 में
इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि आगामी जो एग्जाम आयोजित होने वाले हैं ये वाला खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण वाला जो बिंदेश्वर पाठक की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। और कोशिश कीजिए कि बिंदेश्वर पाठक से संबंधित और भी कई प्रश्न अगर बनते हैं तो उसे जरूर ध्यान रखिए। अगला हमारा है पद्म भूषण, जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को सम्मानित किया गया। अब इसके अतिरिक्त पद्म पुरस्कारों में बिहार को 4 पुरस्कार मिला, वो पद्मश्री में, एक्चुअली में पद्म पुरस्कारों में तो यहाँ पे कुल इसकी संख्या हो जाती है 6, 4 होता है पद्मश्री में, 1 पद्म भूषण और 1 पद्म विभूषण, तो 4, 2, 6 और भारत रत्न भी मिला दें तो कुल 7 पुरस्कार बिहार को मिला है। अच्छा, पद्मश्री को हम लोग देख लेते हैं। तो पद्मश्री में अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए सम्मानित किया गया। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। हमारा अगला है सुरेंद्र किशोर, जो कि साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। अगला है कि राम कुमार मल्लिक, जो कि ध्रुपद गायन कला शैली के लिए सम्मानित किया गया। अगला है शांति देवी पासवान और उनके पति शिवम पासवान, इन दोनों को संयुक्त तौर पर मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग्स में जो गोदना शैली है, जो गोदना कला शैली, इसके लिए सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो बिहार को 6 पुरस्कार मिला और भारत रत्न भी इसमें शामिल कर दें तो बिहार को कुल मिला के 7 पुरस्कार मिला। सिर्फ पद्मश्री की बात करें तो बिहार को 4 पद्मश्री मिला, पद्म विभूषण की बात करें तो 1 और पद्म भूषण की बात करें तो 1। ये तमाम चीजों को इस तरह से रिलेट करके ध्यान रखिए। हम यहाँ पर आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये वाला सुभद्रा देवी, जो कि पेपर मेसी कला से संबंधित है, यही आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए 2023 में बिहार के 3 महान हस्तियों को, जिनमें कि सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिल देव प्रसाद, इन तीनों को सम्मानित किया गया था। इस लिहाज से ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आइए आपको बता दूं कि भारत रत्न जो अभी हाल ही में इन 5 महान हस्तियों को दिया गया, जो यहाँ पर हमने लिखा है, उन चीजों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए हाल ही में भारत के 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो भारत रत्न की घोषणा हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी और क्रम से देखें तो ये 49वां भारत रत्न है जो कि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आगे है लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और साथ ही साथ वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, और इस तरह से देखें ये 53वां है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यहाँ पर एक प्रश्न ये भी अराइज हो जाता है कि अब तक 53 महान हस्तियों को भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर एक जानकारी आपको ध्यान रखना है कि लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद ये सम्मान पाने वाले भाजपा के तीसरे नेता है। भाजपा के नेताओं की बात करें तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख के बाद ये तीसरे नेता बने हैं, तो इस लिहाज से भी ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट है कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि बिहार के सिवान जिले के रहने वाले, ये ध्यान रखिए। और सिवान जिले में जहां पर इनका जन्म हुआ था वो स्थान है जीरादेई, और महात्मा गांधी ने जीरादेई को तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था, ये चीजें आपको याद होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी कि CV रमन को 1954 में दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1954 वही ईस्वी है जब भारत और चाइना के मध्य पंचशील समझौता हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये चीजें यहाँ पर समझना है। अच्छा, इससे पहले 2024 से पिछली बार देखा जाए तो 2019 में भारत रत्न 3 महान हस्तियों को दिया गया था। ये तीनों का नाम यहाँ पर लिखा गया, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो इतनी सारी बातें, फिलहाल मुझे लगता है कि अगर भारत रत्न से कोई प्रश्न अराइज हो सकते हैं रिसेंटली, ये चीजें एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। अच्छा, एक और जानकारी है कि अब तक कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। तो 5 बिहारी को भारत रत्न मिला, जो खास करके बिहार से संबंधित है। इनमें पहला जो नाम है, जो सर्वप्रथम मिला 1961 में, ये बिहार विभूति डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को।
उसके बाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण को 1998 में, तहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्ला खां को 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में। इसमें एक नाम जो आपको दिख रहा है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां, ये बिहार के एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्हें की भारत का चारों सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये बिहार के बक्सर के डुमराव में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न मिला था। अच्छा, बक्सर की बात हुई तो बक्सर में ही एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखें और इन सभी को यहाँ पर हमने तस्वीरों के माध्यम से बताया। आई होप कि सभी को आप यहाँ पर पहचान रहे। चलिए आगे चलते हैं, ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है, जो कि शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए शुरू किया गया है। एक तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पुनः से खबरों में है, लेकिन जरूरी बात यहाँ पर यह है कि ये प्रश्न जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं मिशन दक्ष को लेकर, ये आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसा कि यहाँ पर अभी हम बता रहे थे पद्मश्री वाला, वो भी पूछा गया है, और दक्ष जो है मिशन दक्ष ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अभी ये पुनः खबरों में है तो ये पुनः से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये बिहार से संबंधित है। आइए एक एक करके सभी पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी ये दिसंबर 2023 में हुई थी और डेली करंट अफेयर्स वाले जो क्लास चलती है, अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मालूम होगा कि तमाम चीजें विस्तृत तौर पर वहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो दिसंबर 2023 में ये मिशन दक्ष की शुरुआत की गई थी और आपको ध्यान रखना है बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत किया। और यही चीजें हमने लिखा है कि पिछले साल दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों में या फिर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू की गई थी और हाल ही में अब शिक्षा विभाग द्वारा इन कमजोर बच्चों की विशेष परीक्षा लेने की घोषणा की गई है, जिससे यह अभी खबरों का विषय है। यानी कि जो कमजोर बच्चे होंगे जिसको लेकर यह मिशन दक्ष शुरू की गई है, अब एक विशेष प्रकार का परीक्षा का आयोजन उनके लिए किया जाना है, जिस वजह से यह खबरों में रहा तो पुनः मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर आपको बता दिया जाए। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि शिक्षा विभाग के अनुसार यह विशेष परीक्षा स्कूलों में होने वाले सामान्य वार्षिक परीक्षा के बाद ली जाएगी। हालांकि सामान्य वार्षिक परीक्षा में मिशन दक्ष के सभी बच्चे शामिल होंगे, अगर वार्षिक परीक्षा में वह उत्तीर्ण नहीं होंगे तो उन्हें अगले कक्षा में प्रोन्नति के लिए मिशन दक्ष की विशेष परीक्षा देनी होगी। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर जो हमने बताया वो चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, उसी से ये रिलेटेड है, ये चीज अपने आप हुआ आपको याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद हाल ही में या फिर वर्तमान में जो बिहार के नए शिक्षा मंत्री हैं वह है सुरेंद्र मेहता। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है, सुरेंद्र मेहता जो है ये बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में नहीं है, बल्कि सुरेंद्र मेहता बिहार के खेल मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री जो बने हैं 15 मार्च 2024 को जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, उसके बाद बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं सुनील कुमार। ये चीज ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र मेहता खेल मंत्री हैं, इस चीज को आप लोग सुधार कर लीजिएगा, सुनील कुमार होगा शिक्षा मंत्री। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, यहाँ पर गलत लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास के लिए हाल ही में जेंडर बजट पेश किया है, बताएं कि यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है। एक तो 2024-25 वित्त वर्ष के लिए जो बजट पेश किया गया उसके आधार पर यह पूछा गया है कि 2024-25 के बजट का कितना प्रतिशत है ये जो अभी हाल ही में जेंडर बजट पेश किया गया है। करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, लगभग 14%। आइए यहाँ पर संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर 39,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च करने का प्रावधान किया है। महिलाओं पर खर्च होने वाली राशि को लेकर उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में जेंडर बजट पेश किया है और इनके द्वारा ये पेश किया गया पहला जेंडर बजट है, ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। और साथ साथ यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि वित्त वर्ष 2024-25 का जो कुल बजट है ये है 2,78,425 करोड़ रुपये, तो इसका कुल मिला के लगभग 14% ये जेंडर बजट है, इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो आबादी है वो वर्तमान आंकड़ों के आधार पर बिहार सरकार के अनुसार ये 4,98,00,000 है, जो कि कुल आबादी का तकरीबन 48% है।
ठीक है, तो इसी को लेकर अभी हाल ही में ये जेंडर बजट पेश किया गया है। तो यहां पर ये वाला पॉइंट देखिएगा, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दरअसल अगर वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में जो महिलाएं हैं ये शिक्षा स्वास्थ्य आदि कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में बहुत पीछे है। इस वजह से बिहार सरकार द्वारा बिहार की महिलाओं को खास करके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस तरह का बजट पेश करती है। ठीक है, यही चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और एक सवाल यहाँ पर यह भी अराइज होता है कि बिहार सरकार द्वारा पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2008-09 का जो वित्तीय वर्ष था इसी दौरान पहली बार ये जेंडर बजट बिहार सरकार द्वारा लाया गया था। तो ये चीजें खास करके यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इसको लेकर दिक्कत हो रही है कि जो बिहार का बजट 2024-25 वित्त वर्ष के लिए 2,78,425 करोड़ रुपये है, तो एक बार अपने आंकड़े को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें हमने कई बार आपको बताया है, ये करेक्ट है। चलिए फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। ये 14th प्रश्न है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 5 कलाकारों का चयन ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए किया गया। तो यहाँ पर इन चीजों को हम विस्तार से देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगीत नृत्य नाटक लोक कला के क्षेत्र में 94% कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए ये संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया है। कुल मिला के 94 कलाकारों को सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो 12वीं राष्ट्रपति थी। महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो प्रतिभा देवीसिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थे, इनके बाद महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति। अब यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी है जो कि यहाँ पर हम 5 कलाकारों की बात कर रहे थे जिन कलाकारों को खास करके बिहार से ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है या फिर चयनित हुए हैं वर्ष 2022 और 23 के लिए संयुक्त तौर पर। तो इनमें जो 5 नाम है इसको जरूर रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के पुरस्कार। देखिए पहला सम्मान भरत व्यास शर्मा को जो कि पूर्वी गायन के सम्राट कहे जाते हैं, लोक गायक हैं, इनको ये सम्मान मिला है लोक गायकी के लिए। प्रेमलता मिश्रा को मैथिली में अभिनय के लिए, डॉक्टर नीतू कुमारी नूतन को लोक गायिका के लिए, सीताराम सिंह को गायक वो संगीतकार हैं इसके लिए इन्हें सम्मानित किया। और उसके बाद आसिफ अली हैदर खान जो कि नाट्य लेखक हैं इनको इनकी लेखकी के लिए सम्मानित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से वर्ष 2022 और 23 के लिए जिन 5 कलाकारों का चयन बिहार से किया गया, हालांकि पूरे भारत से 94 कलाकार चुने गए लेकिन बिहार से 5 कलाकारों का चयन किया गया। तो यहाँ पर वो जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है। चलिए अगला 5वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को औरंगाबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया है तथा आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर का शिलान्यास भी किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? हम यहां पर बात कर रहे हैं आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर। पूछा गया ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? करेक्ट आंसर होगा बिहार के 7 जिलों से होकर ये गुजरेगी। अब ये 7 जिले कौन कौन से उसे ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखें। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को बिहार के औरंगाबाद जिले में 21,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया, जिसमें आपको ध्यान रखना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं शामिल है। इसी दौरान यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि पीएम मोदी द्वारा आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर, साथ साथ दानापुर बिहटा 4-लेन एलिवेटेड और पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिघवारा खंड का शिलान्यास भी किया गया। एक्चुअली ये शिलान्यास यहाँ पर हुआ है लेकिन पूछा हमने है प्रश्न में आपको आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर के बारे में, ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो कुल मिला के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। यहाँ पर हमने लिखा कि आमस दरभंगा 4-लेन कॉरिडोर बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। आपको ध्यान रखना यह एक्सप्रेस वे जो है ये दिल्ली कोलकाता NH-19 पर स्थित औरंगाबाद जिले के आमस से शुरू होकर बिहार का गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ेगी। ये NH-19 पर मतलब अवस्थित होगा, यानी कि जो दिल्ली कोलकाता एक्सप्रेस वे है उसी पर यह है। और आपको ध्यान रखिए ये बिहार के 7 जिलों को कवर करेगी। यहाँ पर वो चीज़ हमने और भी विस्तृत तौर पर लिखा है कि ये जो है 2024 के अंत तक ये पूरा होने की संभावना है। इसे नेशनल हाईवे D-119 के रूप में नोटिफाई किया गया या फिर चिन्हित किया गया है।
पहला एक्सप्रेसवे बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। ये बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा जो कि बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। ये जिले कौन कौन से हैं? तो औरंगाबाद, साथ साथ गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। ये यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर और भी कई जानकारी है। इसकी जो लंबाई है 189 किलोमीटर है, और जो कि इसकी जो निर्माण लागत है ये 6,000 करोड़ रुपये इस पर खर्च आने वाला है, क्योंकि बिहार का ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जिसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। आमस है औरंगाबाद में, यहाँ पर हमने लिंक भी दिया है, औरंगाबाद जिले के आमस, ठीक है। आमस जो कि औरंगाबाद में है, ये औरंगाबाद और कह सकते हैं दरभंगा के बीच है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर आपको समझना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी द्वारा हालिया प्रदान किए गए प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार या फिर नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 के तहत मधुबनी बिहार की गायिका मैथिली ठाकुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के रूप में मैथिली ठाकुर को यहाँ पर ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर वो हमने सूची आपके समक्ष रखा है, हालांकि इसमें कई नाम और भी है, लेकिन ये जो सूची हमने आपके समक्ष रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये जो घोषणा हुई या फिर जो पुरस्कारों का वितरण हुआ, ये 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान में भारत मंडपम है, जहां पर 2023 में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में हुआ था, वहीं पर अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा ये राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार के तहत यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर जो सम्मानित किए गए लोगों की सूची या फिर जो सम्मान प्राप्त हुए हैं या फिर प्राप्त किए हैं, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हस्ती है, जो खास करके जो चर्चित लोग हैं, खास करके मीडिया में, खास करके जो ज्यादा मतलब पॉपुलर है, उनकी जानकारी यहाँ पर हमने रखा है। हालांकि कई नाम और भी है, ये लिस्ट थोड़ा लंबा है, तो उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, बल्कि जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर हमने रखा है। देखिए, एक तो है जया किशोरी जी, जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए इन्हें अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड मिला, और उसके बाद पखंती पांडे को ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें और भी कई सारे हैं, लेकिन आपको बिहार के दृष्टिकोण से यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। और भी कई सारे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नाम आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक अवार्ड मिला गौरव चौधरी को, सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड टेक कैटेगरी में, ठीक है। आप लोग गौरव चौधरी को जानते हैं, टेक्निकल गुरु जी के नाम से इनका एक यूट्यूब पर चैनल है और मिलियन में सब्सक्राइबर है, और टेक कैटेगरी में इन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर ये नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024 को लेकर इतनी सारी बातें ध्यान रखने योग्य है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर यह भी है, ये इसका पहला संस्करण है, जरूर ध्यान रखिएगा, पहला संस्करण है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में 165 करोड़ की लागत से बने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को किया गया। ये बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जिसका उद्घाटन बिहार के भागलपुर में किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बिहार के भागलपुर जिले के बरारी में, भागलपुर में एक जगह है बरारी, यहीं पर 165 करोड़ की लागत से बने पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन 13 मार्च 2024 को भारत के उपभोक्ता मामले, खाद और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा किया गया। अब देखिए, ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का यहाँ पर भागलपुर के बरारी में उद्घाटन हुआ है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले बिहार के युवाओं के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। अन्य राज्यों पर उन्हें निर्भर रहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी, वो चीजें यहाँ पर पूरा होगा, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए, भागलपुर की बात हुई है, भागलपुर को लेकर कई सारी जानकारी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, खास करके बहुत ज्यादा ही बनते हैं, और समय समय पर हमने ये जानकारी आपको दिया है। कुछ अतिरिक्त जानकारी जो बेसिक से जो कॉमन है, जो कॉमन प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार में भागलपुर एक जिला है और साथ ही साथ भागलपुर बिहार में एक परमंडल भी है, ये आपको मालूम होगा। देखिए, बिहार का एक जिला और 9 परमंडलों में से सबसे छोटा परमंडल है भागलपुर। इसके अंतर्गत 2 जिले आते हैं, भागलपुर और बांका। पिछले साल 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने भागलपुर को स्ट्रीट फूड हब के रूप में चिन्हित किया था। अच्छा, यहाँ पर ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जो आकृति आपको दिख रहा है, एक बिल्डिंग है लंबी सी, आप लोग अगर भागलपुर में गए हैं या फिर भागलपुर के रहने वाले हैं, तो एक बार कमेंट करके बताइएगा ये क्या है और कहाँ पर है। देखते हैं कितने लोग इसको पहचान पा रहे हैं या फिर पहचानते हैं। चलिए, यहाँ पर हम चलते हैं आगे। अच्छा, बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर भागलपुर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ। हालांकि ऐसे कई उद्घाटन को लेकर हमने जानकारी विस्तृत तौर पर दिया है,
उनमें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपके समक्ष है, पूरी भारत में पूरी दुनिया में जो उद्घाटन खास करके हुए। देखिए पहला है बापू परीक्षा परिषद, ये 23 अगस्त 2023 को नीतीश कुमार द्वारा कुम्हरार पटना में किया गया था। ये बापू परीक्षा परिषद, बापू टावर जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये गर्दनी बाग पटना में 4 फरवरी 2024 को नीतीश कुमार द्वारा किया गया। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में 19 जनवरी 2024 को जगन मोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। स्वामी नारायण मंदिर ये अबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यहाँ पर अबू धाबी के या फिर संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को किया गया। सुदर्शन केवल पुल जो कि द्वारका गुजरात में 25 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 4 मार्च 2024 को नीतीश कुमार द्वारा पटना में इसका उद्घाटन किया गया। सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में 9 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ऐसे कई सारे उद्घाटन और भी हुए हैं, हालांकि हमने ये इंपॉर्टेंट आपके समक्ष में रखा है, लेकिन विस्तृत जानकारी हम आपको करेंट अफेयर्स की जो डेली श्रृंखला चलती है, जो डेली क्लास चलती है, वहां पर हम आपको देते हैं। तो क्लासेस को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, भरपूर आपको फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मार्च 2024 में बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। बताएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले देश की पहली महिला लोको पायलट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये जान लीजिए इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि सुरेखा यादव। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 10 नए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दी है, जिसमें बिहार को 2 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली। दरअसल 12 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसे हरी झंडे दिखाकर ये ट्रेनों का उद्घाटन किया। अच्छा बिहार को जो 2 ट्रेन मिले हैं इसमें आपको ध्यान रखना है पटना लखनऊ और फिर पटना, और उसका दूसरा है पटना न्यू जलपाईगुड़ी फिर पटना, मतलब ये अप डाउन दोनों यहाँ पे लिखा गया है। तो इस रूट पे ये 2 एक्सप्रेस ट्रेन जो खास करके हम बात कर रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वंदे भारत जो ट्रेन मिला है 2 रूट पर बिहार को मिला है, जो कि यहाँ पर वो हमने लिख दिया है। तो इससे एक प्रकार से यात्रियों का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। अब देखिए वंदे भारत ट्रेन की एक्चुअली में बात हो रही है और हमने आपसे पूछा है कि पहली महिला लोको पायलट कौन है जो वंदे भारत ट्रेन चलाई है, तो वही जानकारी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए वंदे भारत एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन, प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था। इसके पीछे एक रीजन यह है कि 2018 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था, अक्टूबर 2018 में, जिस वजह से इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था। लेकिन अब इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में चिन्हित किया गया है या फिर इस नाम से जाना जाता है। देखिए ट्रेन 18 का जो निर्माण है अक्टूबर 2018 में पूरा हुआ था, इसी वजह से इसे ट्रेन 18 कहा गया था, जैसे कि 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग भी ध्यान आप लोग रखिएगा। और अगला है मार्च 2023 में सुरेखा यादव जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाले देश की पहली महिला लोको पायलट बनी थी। एक गर्व का विषय है और यही हमने यहाँ पर आपसे प्रश्न में पूछा है। देखिए पहली बार जो ट्रेन चली थी, ये जो लॉन्चिंग हुआ था, तो 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ये इसका कह सकते हैं लॉन्चिंग के समय जो, इसका मतलब जो उद्घाटन के समय जो चलाई गई थी वो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अच्छा वंदे भारत ट्रेन को लेकर वही सारी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वही तमाम चीजों को यहाँ पर हमने रिपीट किया है। ठीक है तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसको ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ट्रेन की बात हो रही है और ऐसे में ये जानकारी हम आपको अवश्य देते हैं। यहाँ से रिसेंटली बीपीएससी ट्री एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया और जिसकी हम संभावना व्यक्त कर रहे थे वही आपके एग्जाम में पूछा गया। आइए यहाँ पर आपको मैं बता दूं ये तमाम चीजें और साथ साथ एक कंफ्यूजन का भी पॉइंट यहाँ पर निकल कर सामने आता है, वो भी यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि भारतीय रेलवे जो है ये 18 जोनों में या फिर 18 डिवीजन में बांटा गया है और उनमें से एक है पूर्व मध्य रेलवे, जिसकी जानकारी हम अभी यहाँ पर आपको देंगे। देखिए पूर्व मध्य रेलवे भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल है, जिसमें कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद, ये 5 रेल मंडल आते हैं पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन का विषय कहाँ पर क्रिएट होता है, दरअसल अभी हम आपको बता रहे थे इसका जो मुख्यालय है ये हाजीपुर बिहार में है। तो सवाल यहाँ पर यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये बिहार के किस जिले में है,
तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो आप हाजीपुर वहां पे आंसर टिक करके आ जाएंगे। बात यहां पर यह है कि बिहार में हाजीपुर नाम का कोई जिला नहीं है, वैशाली जिला के अंतर्गत आता है हाजीपुर, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर में है। जिस प्रकार से और भी कई सारे जगह हैं, जैसे कि आरा कोई जिला नहीं है बल्कि भोजपुर जिला के अंतर्गत एक स्थान है आरा, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। सासाराम कोई जिला नहीं है, रोहतास के अंतर्गत आता है सासाराम। तो ये चीजें जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तो आप एग्जाम में प्रश्न को गलत कर देंगे। इसी प्रकार से उदाहरण और भी है, राजगीर कोई जिला नहीं है, नालंदा के अंतर्गत आता है राजगीर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में है, तो वैशाली जिले में, ना कि हाजीपुर जिले में। हाजीपुर तो कोई जिला ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा, पूर्व मध्य रेलवे का जो जो कह सकते हैं लोगो है, जो इस मुख्यालय का, वो ये लोगो है। लोगो को भी ध्यान रखिएगा, लोगों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भागलपुर में हालिया आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन्हें हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा राम आश्रय गोयल, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिये 14 मार्च 2024 को बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ के तत्वाधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में समाज सेवी, व्यापारी एवं प्रसिद्ध कवि राम आश्रय गोयल को हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि अवार्ड को लेकर कई सारी जानकारी हम आपको देते रहते हैं, वो चीजें भी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए, हमारे जो तमाम जो स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह होते हैं, आप बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से, ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, और यही वाला कोर्स है। इस कोर्स में जो तमाम चीज आपको दिख रही है आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। सिलेबस आधारित नोट्स मिलेगा आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके 70वीं पीसी एग्जाम के लिए बिहार जीके का नोट्स मिलेगा। करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज होगा, जिसमें डेली, मंथली, ईयरली करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला होगी और क्विज वगैरह होंगे, सभी चीजें यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज होगा जिसमें फुल लेंथ टेस्ट होगा और सेक्शनल टेस्ट होगा। तकरीबन 130+ टेस्ट होंगे, प्रॉपर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, इसकी संख्या 130+ होगी। और क्विज अनलिमिटेड यहाँ पर आपको मिल रहा है, और इसके अतिरिक्त प्रीवियस पेपर आदि कई चीजें हैं जो कि इस कोर्स के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। एक नॉमिनल सा चार्ज है, यही वाला कोर्स है जो कि आपको एप्लीकेशन पे लेना है। तो अभी जाइए बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आपको यहाँ पर ये कोर्स में आपको ज्वाइन करके तमाम चीजों को प्राप्त करना है। चलिए 10वां प्रश्न है कि 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों को मोहर लगे, बताएं कि बिहार के किस स्टेडियम को बीसीसीआई को दीर्घकालिक समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। इसी बैठक में जो कैबिनेट बैठक हुई, इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और जो स्टेडियम को लेकर बातें कही गई है, ये स्टेडियम है मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि पटना में है, राजेंद्र नगर एरिया में है, उसी साइड ये पड़ता है। और इसको लेकर यहाँ पर चीजें हमने आपके समक्ष रखा है। 15 मार्च 2024 को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 108 एजेंडों पर मोहर लगे थे। एक स्टूडेंट होने के नाते जिन सारे बिंदुओं पर खास करके इस बैठक को लेकर ध्यान रखना है, वो चीजें यहाँ पर आप लोग देखिए। देखिये नीतीश कुमार के गृह जिला राजगीर नालंदा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। नालंदा जिला के राजगीर में ये इसका कह सकते हैं निर्माण होगा। भागलपुर एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार होगा और साथ ही साथ मोइनुल हक स्टेडियम पटना को बीसीसीआई को दीर्घकालिक समय के लिए लीज पर दिया जाएगा। और अगला है कि बिहार के मुख्य शहर के पास राज्य टाउनशिप बनाया जाएगा और बिहार निर्यात प्रोत्साहन 2024 को स्वीकृति दी गई। तो ये चीजें इस बैठक से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो यहाँ पर हम ये बीसीसीआई को लेकर बातें यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बीसीसीआई को दीर्घकालिक समय के लिए लीज पर दिया जाएगा, तो आने वाले समय में अगर ये प्रक्रिया सफल होती है तो आने वाले समय में मोइनुल हक स्टेडियम में भी हमें आईपीएल जैसे मैच देखने को मिल सकता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी पहल, तो ये यहाँ पर ध्यान रखें। आगे हमने कुछ और पॉइंट लिखा है। मोइनुल हक स्टेडियम की बात हुई है, पहले इसमें अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं, 2 बार इस मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं। हालांकि वर्तमान में जो मोइनुल हक स्टेडियम की स्थिति है वो काफी जर्जर है। आप यहाँ पे देखिए कि पटना बिहार में यह स्टेडियम है और 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच यहाँ पर, जो कि हीरो कप का मैच था, ये जिम्बाब्वे और केनिया के बीच खेला गया था। कब? तो वर्ष 1996 में। हालांकि इस स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले गए हैं और क्रिकेट खेल का जो जन्मदाता कहा जाता है ये इंग्लैंड को कहा जाता है, ये चीजें आपको समझना है। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है तो रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन होना है ये वेस्टइंडीज और अमेरिका में होगा और इसको लेकर कई जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर चलिए आगे, हमारा अगला 11वां प्रश्न है
तीसवां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन 15 से 17 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये अभी हाल ही में बोध गया में आयोजित हुआ है। देखिए यहां पर आपको मैं इसको लेकर जानकारी दे दूं कि तीसवां राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन आयुक्त सम्मेलन भगवान बुद्ध के ज्ञान की भूमि बोध गया में महाबोधि संस्कृति केंद्र पर आयोजित किया गया। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आयोजन तिथि है ये 15 से 17 मार्च 2024, और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है ये राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन को लेकर भी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की चर्चा हुई है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल हैं, आप सभी जानते हैं फागू चौहान के स्थान पर हैं। और कई जगहों पर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होता होगा, एक तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर हम देखें पूरी मतलब राज्यपाल की सूची के आधार पर तो बिहार के 41वें राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि गोवा के रहने वाले हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, ये गोवा के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए आजादी के क्रम के आधार पर 41वें राज्यपाल है, ठीक है, लेकिन आजादी के बाद अगर हम स्वतंत्र प्रभार की दृष्टिकोण से देखें तो ये 29वें राज्यपाल है। ये जो आजादी के बाद से क्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें कार्यकारी राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है उसको लेकर भी सम्मिलित तौर पर ये 41वें राज्यपाल है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार के दृष्टिकोण से बिहार के 29वें राज्यपाल है। अच्छा वो गोवा के रहने वाले, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। अच्छा इससे पहले हिमाचल प्रदेश के 21वें राज्यपाल के रूप में वे कार्य किए हैं, आप यहाँ पर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तस्वीर में देख सकते हैं। फिलहाल इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल से संबंधित कई सारी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमने देखा है कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। किसी भी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, और जिस भी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं एक प्रकार से देखें वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं, उसी रूप में वो कार्य करते हैं, ठीक है। वो चीज यहाँ पर हमने इस वाले पॉइंट में लिख दिया है। और अगला पॉइंट है कि किसी भी राज्य में जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्यपाल की जो व्यवस्था है ये अनुच्छेद 153 यानी कि आर्टिकल 153 में की गई। हालांकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। राज्य में जो राज्यपाल होते हैं राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और साथ ही साथ राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की बात हुई है तो अगर आपसे एक प्रश्न हम यहाँ पर पूछें कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस वर्तमान में कौन है, तो ये है कृष्णन विनोद चंद्रन, जो कि केरल के रहने वाले हैं। तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें बदलाव हुआ है, लेकिन अब जो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो डेटा हम आपको दे रहे हैं इसके आधार पर वर्तमान में बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ये है परमार रवि मनुभाई, ये यहाँ पर इसका आंसर राइट हो जाएगा। देखिए बीपीएससी या फिर जो एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लोग लगे हैं तो ये कॉमन सी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए इसमें हमने लिखा कि बिहार सरकार ने साल 1992-23 की आईएएस अधिकारी परमार रवि मनुभाई को बीपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले वे खनन एवं भूतत्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। देखिए यहाँ पर कई चीजें और भी हैं। दरअसल 12 फरवरी 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के सेवानिवृत्ति के बाद 19 फरवरी 2024 को बीपीएससी की कमान इम्तियाज अहमद करीमी को सौंपी गई थी, जो कि बीपीएससी के सदस्य हैं, इन्हें ये कह सकते हैं जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और अभी हाल ही में अब ये जो नए अध्यक्ष बने ये बने परमार रवि मनोभाई। बीपीएससी अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को इसकी कह सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की यानी कि बीपीएससी के 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा 75वां स्थापना दिवस इसका अभी हाल ही मनाया गया। बीपीएससी की स्थापना जो हुई थी इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1949 को और इसका मुख्यालय स्थापना के समय झारखंड के रांची में था। हालांकि उस समय रांची बिहार का ही एक अंग था, बिहार जो झारखंड जो अलग हुआ बंटवारा हुआ मतलब दोनों राज्यों का वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी बीपीएससी की तो इसका हेडक्वार्टर रांची में था, लेकिन वर्ष 1951 में इसे रांची से पटना में स्थानांतरित किया गया, तो ये चीजें भी यहाँ पर आपको समझना है। अच्छा बीपीएससी का जो लोगो है ये जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न है कि 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं?
तो करेक्ट आंसर होगा शिक्षा मंत्री की। यहाँ पर बात हो रही, थोड़ी देर पहले इसको लेकर एक जगह मैंने बताया था कि मिस टाइपिंग हुआ है। तो शिक्षा मंत्री जो बिहार के वर्तमान में है सुनील कुमार, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 फरवरी 2024 को नई मंत्रिमंडल के गठन के बाद हाल ही में 15 मार्च, मंत्रिमंडल का गठन आंशिक तौर पर 3 फरवरी को हुआ था, लेकिन उसके बाद 15 मार्च 2024 को इसका पूरा विस्तार हुआ और इसके बाद 21 अन्य मंत्रियों को इसमें अन्य विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और सभी को राजभवन के राजेंद्र मंडपम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जो विभागों की जो सूची है वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। ये चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन शुरू से देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि किन्हें कौन सा विभाग मिला, ये विस्तृत सूची है जो नवीनतम मंत्रिमंडल है। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है किसी भी विभाग को लेकर, यही जानकारी अभी वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा। देखिए नीतीश कुमार जो कि वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9वीं बार ये बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और इसके अंतर्गत जो जो विभाग हैं जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी निर्वाचन और ऐसे सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ है या फिर किसी को नहीं सौंपा गया, इसके अतिरिक्त बिहार में वर्तमान में दो कह सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं, एक है सम्राट चौधरी और एक है विजय कुमार सिन्हा। इन दोनों को क्रमशः, एक तो सम्राट चौधरी को वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग और साथ साथ विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान और भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी और साथ साथ कला संस्कृति और युवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो ये तीन प्रमुख नाम यहाँ से आपको ध्यान रखना, मंत्रिमंडल में जो तीन प्रमुख लोग हैं ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अच्छा यहाँ पर आप इन तीनों को देख सकते हैं, आप लोग जानते भी पहचानते भी होंगे। इसके अतिरिक्त जो कंप्लीट जो सूची है यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है, जैसे कि अगर हम बात करें विजय कुमार चौधरी की तो जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, विजेंद्र कुमार विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि ऊर्जा योजना और विकास विभाग, और इसी तरह से और भी कई सारी है जो कि आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। देखिए आगे चलते हैं इसमें, और जैसे कि यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया शिक्षा विभाग को लेकर, सुनील कुमार बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं जयंत राज। आगे और भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, खेल विभाग के यानी खेल मंत्री जो है वर्तमान में सुरेंद्र मेहता है, साथ ही साथ श्रम संसाधन विभाग मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह। ये कंप्लीट जो सूची यहाँ पर आपके समक्ष है आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी यहाँ से एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अच्छा यहाँ पर एक तो जानकारी और अतिरिक्त भी रखा गया है, खास करके यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी 2024 को जदयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष बने नरेंद्र यादव, जो कि ये भी जदयू की है। नई सरकार के गठन के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा में स्पीकर बने भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव। तो दोनों को यहां से ध्यान रखिए, वर्तमान में जो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं ये है नंद किशोर यादव, और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव, दोनों को यहां से आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटें हैं, जिनमें की 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए यहाँ पर रिजर्व है या फिर आरक्षित है। तो इसको लेकर भी मतलब जो इसमें नई अपडेट हुई थी वही चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा। अगला प्रश्न है कि आमिर सुब्हानी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर ए यानी कि ब्रजेश मेहरोत्रा। वर्तमान में बिहार के मुख्य सचिव हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, और इनसे पहले जो बिहार के मुख्य सचिव थे वो थे आमिर सुब्हानी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। अब तक वे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव थे और उन्होंने आमिर सुब्हानी का स्थान लिया है जो कि सिवान के रहने वाले। यही चीज यहाँ पर हमने लिखा कि आमिर सुब्हानी 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन 1 मार्च 2024 को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसकी मतलब कह सकते हैं सेवानिवृत्ति के बाद अभी इस पद पर जो मतलब कह सकते हैं नए मुख्य सचिव बने हैं बिहार के, ये बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा। हमारा अगला पॉइंट है कि आमिर सुब्हानी का जो कार्यकाल है बिहार के मुख्य सचिव के रूप में 1 जनवरी 2022 से 1 मार्च 2024। अच्छा इसके अतिरिक्त और भी कुछ जानकारी है कि 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चैतन्य प्रसाद को बिहार विकास या फिर विकास आयुक्त बनाया गया और अब तक वो जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात थे। और अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार की तरफ से जारी की गई अधिसूचना 4 मार्च 2024 से ये प्रभावी हो गई है।
अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है बिहार को लेकर, तो बिहार के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है जो कि आपके समक्ष यहाँ पर रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग से जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2 मार्च 2024 को बिहार में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ये उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है, कहाँ पर? तो बरौनी में, जो कि बेगूसराय में आता है, एक जगह है बरौनी, यहीं पर। देखिए बरौनी कोई जिला नहीं है, बेगूसराय जिले के अंतर्गत आता है। देखिए हाल ही में 2 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय जिले के बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। 9,500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित यह संयंत्र किसानों को किफायती यूरिया उपलब्ध कराएगा। हालांकि अक्टूबर 2022 में ही यहाँ से यूरिया का जो उत्पादन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ जानकारी मैं आपको दे दूँ, इसमें हमने एक पॉइंट लिखा यहाँ पर कि गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश, साथ साथ रामागुंडम जो कि तेलंगाना में है, और साथ साथ सिंदरी जो कि झारखंड, इसके बाद देश में पुनर्जीवित होने वाला यह चौथा उर्वरक संयंत्र है जिसका उद्घाटन 2 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में करीब 3,917 करोड़ रुपये की विभिन्न रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन व शिलान्यास किया। साथ ही देश में पशुधन के लिए डिजिटल डेटाबेस भारत पशुधन राष्ट्र को समर्पित किया, और इसके अतिरिक्त 1962 किसान ऐप भी लॉन्च किया। ये ध्यान रखिए, एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है, ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया 2 मार्च 2024 को। ये चाहिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बरौनी बिहार, बरौनी बेगूसराय बिहार की बात हुई है, तो कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं यहाँ पर। दरअसल आपको मालूम होगा कुछ समय पहले हमने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार को लेकर जानकारी दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर वो कंप्लीट सूची है, पहला संस्करण 2018 में, फिर 2019, फिर 2020 और फिर चौथा 2022। 2022 में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश के साथ क्रमशः तीसरे स्थान पर रखा था संयुक्त तौर पर। एक तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे स्थान पर, और बिहार को आंध्र प्रदेश के स्थान पर या फिर आंध्र प्रदेश के साथ तीसरे स्थान पर रखा था संयुक्त तौर पर, दोनों को, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो चर्चा अभी हम कर रहे थे यहाँ पर बरौनी बेगूसराय को लेकर, ये चीजें यहाँ पर आपको मैं बता दूँ। इसमें एक जगह आपको देखेगा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों के अंतर्गत कि सर्वश्रेष्ठ उद्योग का जो पुरस्कार है ये बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को मिला, तो इसलिए हम यहाँ पर ये आपको बतला रहे थे। पुनः से ये चीजें ध्यान रख लीजिए, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है वो पूछा जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अगला 16वां प्रश्न है कि हाल ही में 4 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां बने भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो पटना में। ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जिसका उद्घाटन हाल ही में 4 मार्च 2024 को ज्ञान भवन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार जलवायु सम्मेलन व जो प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ था यहीं पर इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर वो चीज हमने लिख दिया कि इसी दौरान पटना बने भारत व एशिया के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया। जो यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको क्लियर कर दूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो पढ़ा वो थोड़ा सा अलग ढंग से जो लिखा है हमने वो बता दूँ। देखिए 4 मार्च 2024 को ज्ञान भवन पटना, जो कि खासकर के अशोका कन्वेंशन सेंटर है जिसमें कि बापू सभागार और ज्ञान भवन है, और यहीं पर बिहार जलवायु सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ था, और इसी दौरान ये डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, सॉरी नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि पटना राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, और इसको लेकर कई सारी जानकारी पिछले कई वर्षों से चली आ रही है और ये मीडिया में बहुत सुर्खियां भी बटोर रही है, लेकिन फाइनली इसका उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पर जलीय जीव जंतुओं पर भी कर सकते हैं एक प्रकार से शोध होगा, और ये जो स्थान है ये डॉल्फिन का शोध केंद्र के रूप में मुख्य रूप से कार्य करेगा, लेकिन जलीय जीव जंतुओं पर भी यहाँ पर शोध होगा। हालांकि यहाँ पर अगला और भी कुछ पॉइंट है कि बिहार सरकार की मांग पर ही केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार द्वारा, जो कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, बिहार सरकार की मांग पर या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार के मांग पर, जो कि प्रधानमंत्री उस समय थे, जो केंद्र में सरकार थी कह सकते हैं मनमोहन सिंह की, तो ये डिमांड किया गया था, ये कह सकते हैं प्रस्ताव रखा गया था राष्ट्रीय जलीय जीव को, मतलब खास करके डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने को लेकर, तो ये स्वीकार किया गया था। और आपको ध्यान रखना है ये पहली बार जो मनाया गया था ये 2010 में मनाया गया था, या फिर कह सकते हैं घोषित किया गया, तो ये जो घोषित हुआ राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन, ये 2010 में हुआ था। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन को आप लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं,
डॉल्फिन को बिहार के कई क्षेत्रों में लोग सौंस के नाम से भी जानते हैं, खास करके गांव आदि में सौंस जो होता है वही डॉल्फिन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे हमारा पॉइंट है कि बिहार में यह डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी में पाई जाती है। राज्य में डॉल्फिन को सौंस भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट है कि बिहार 1990 से ही डॉल्फिन का संरक्षण कर रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है, ध्यान रखना है। सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत आप लोग देखते होंगे नदी में खास करके कुछ व्हाइट कलर के होंगे, कुछ डार्क ब्लैक कलर के होंगे, ये जो आपको दिखता है वही डॉल्फिन होता है और इसे सौंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर हमने लिखा है बिहार के संदर्भ में, यहाँ पर वो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पर यह पूछा जा सकता है एग्जाम में जानकारी पर्पज से। देखिए यहाँ पर बात एक यह भी है कि आप हजारों चीजों को पढ़ेंगे तब जाके एग्जाम में 100% प्रश्नों को हल करके आएंगे। पूरे साल कम से कम 1 साल 2 साल, अभी जो बदलता हुआ पैटर्न है आपको दिख रहा होगा कि कम से आप वहां पर देखते होंगे कि 2 साल पुराने भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, सिर्फ एक वीडियो देखने से नहीं होगा, कंटिन्यूटी जब तक आपकी बरकरार नहीं होगी, जो खास करके रेगुलर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो चीजें यहाँ पर आपको अच्छा मतलब महसूस भी नहीं होगा और एग्जाम में स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। ये चीज ध्यान अवश्य रखिएगा, आपको एकदम सुनियोजित तरीके से प्रिपरेशन करना है तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। चलिए यहाँ पर अब हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में बिहार में एक पुलिस थाना औसतन कितनी आबादी पर है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर यह है विकल्प नंबर डी, यानी कि 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है। जो नवीनतम रिपोर्ट है उस आधार पर चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। देखिये बिहार में 176 पुलिस चौकी के नए थाना बनने के बाद अब बिहार में औसतन प्रति लाख आबादी पर यानी कि 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है, जो कि पहले 1.17 लाख की आबादी पर हुआ करता था। लेकिन जो नया जो पुलिस चौकी इसमें शामिल हुआ, जो पुलिस थाना बना, पुलिस चौकी जो पुलिस थाना बना, इसके बाद ये संख्या थोड़ा सा घट गई, ये जो औसतन 1 लाख की आबादी पर एक पुलिस थाना है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में या विभिन्न राज्यों में थानों की संख्या की बात करें तो बिहार में आपको ध्यान रखना है कि 1212 थाना है, उत्तर प्रदेश में 1526, झारखंड में 606, पश्चिम बंगाल में 444। ठीक है, तो ये असल में राज्यों में जो थानों की संख्या उसको लेकर यहाँ पर हमने बताया। चलिए अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में अगर हम देखें तो औसतन 75,000 की आबादी पर एक पुलिस थाना है। हालांकि वर्तमान में पूरे भारत में कुल 16,671 पुलिस थाने हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बिहार में 1 लाख की आबादी पर पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर देखें औसतन 75,000 की आबादी पर एक पुलिस थाना है, ये चीजें यहाँ पर आपको समझना है। और पूरे भारत में तकरीबन 16,500 से अधिक पुलिस थाना है। बिहार पुलिस की बात हुई, पुलिस थानों की बात हुई, तो एक जानकारी आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आप सभी को मालूम है 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया कब, तो इसी वर्ष 26 जनवरी 2024 को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस गणतंत्र दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के 25 अधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देखेंगे, इसमें 3 कैटेगरी में अवार्ड मिला है, एक तो गैलेंट्री पुलिस मेडल, और इसमें आपको ध्यान रखना 6 लोगों को इससे सम्मानित किया गया, और इसके अतिरिक्त विशिष्ट सेवा के लिए जो पुलिस पदक मिला ये 2 लोगों को, ये दो मतलब यहाँ पर नाम लिख दिया हमने, और इसके अतिरिक्त ये हो गया 6, 2, 8, और इसके अतिरिक्त 17 अन्य लोगों को ये आपको ध्यान रखना है सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो 17 और 8 हो गया 25। तो यहाँ पर वो कंप्लीट सूची देख रहे हैं, कुल मिला के बस आपको इतना ध्यान रखना है कि 75वां गणतंत्र दिवस समारोह जो खास करके आयोजित हुआ यहाँ पर भारत सरकार द्वारा बिहार के 25 अधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार राज्य के खिलाड़ियों को सालाना अधिकतम कितने रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि 20 लाख रुपये तक का अधिकतम यहाँ पर बात हो रही है। देखिए विकल्प नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। देखिए बिहार सरकार खिलाड़ियों को लेकर हाल ही में या फिर बिहार सरकार खिलाड़ियों को हाल ही में खेल छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है, और नवीनतम घोषणा के अनुसार सालाना अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि विभिन्न खेलों में राज्य के युवा बेहतर प्रदर्शन करें और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल करें। और खेल विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा और इसके बाद कैबिनेट की स्वीकृति लेकर इसे लागू किया जाएगा, और इसके अतिरिक्त बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से इसे जाना जाएगा। तो ये चीजें खास करके यहाँ से संबंधित है, जिस प्रकार से हाल ही के दिनों में बिहार सरकार बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर प्रतिबद्ध है, बहुत सारी घोषणाएं होती है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जैसे कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को पिछले साल 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया, यानी कि अब वो जो संस्था है वो किसी भी प्रकार की कोई भी घोषणा करने के लिए
खास करके बिहार बिहार के खेल और खिलाड़ियों को लेकर, वो स्वतंत्र है, वो किसी पर भी आश्रित नहीं है, वो खुद से कोई भी घोषणा कोई भी फैसला कर सकता है। तो इस चीज को लेकर ये चीज ध्यान आपको रखना है। देखिए वर्तमान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है या फिर निदेशक है यह है रविंद्रन शंकरन, और बिहार के जो वर्तमान में खेल मंत्री है यह है सुरेंद्र मेहता। ये चीज ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की बात हुई है तो 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो गांधी मैदान पटना में जो 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी, वहां पर ये जो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी, इसे पहला दूसरा पुरस्कार मिला था। पहला पुरस्कार मिला था कह सकते हैं नगर विकास और आवास विभाग की झांकी को, जो कि कवाड़ से कमाल थीम पर आधारित था। लेकिन ये वाला जो झांकी था बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की, ये आधारित था मेडल लाओ नौकरी पाओ पर। ये बिहार सरकार की एक घोषणा थी, एक पहल थी, और इसी थीम पर ये आधारित थी, जिसे कि यहाँ पर दूसरा पुरस्कार मिला। हालांकि तीसरा पुरस्कार मिला था खेल विभाग के, यहाँ पर वह चीज देखिए यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए पहला पुरस्कार मिला नगर विकास और आवास विभाग, दूसरा पुरस्कार बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, और ये किस थीम पर आधारित था वो भी हमने लिख दिया है। अगला जो तीसरा पुरस्कार संयुक्त तौर पर मिला, यह विधि विभाग और कृषि निदेशालय को यह संयुक्त तौर पर दिया गया। और जिन 14 विभागों की झांकी निकाली गई थी और जिस थीम पर यह आधारित थी, वो चीजें इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए हो जाता है। अच्छा यहाँ पर ये यह तीन चार तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसके अतिरिक्त और भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर एक 9 नंबर वाला पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 50 साल बेमिसाल पटना जो, और इसके अतिरिक्त 8वां कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाई गई है इसी पर ये आधारित थी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप लोग रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया, बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है। 22 मार्च 2024 को बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है और हमसे पूछा गया कि बिहार का कौन सा जिला वर्तमान में कम साक्षर है, तो विकल्प नंबर डी यानी कि पूर्णिया जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वर्ष 2024 में किसी भी मतलब राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कह सकते हैं त्योहार आयोजित नहीं हुआ, जैसे गांधी मैदान में हर वर्ष होता है स्थापना दिवस के अवसर पर, तो इस वर्ष खास करके आयोजित नहीं हुआ कोई भी राजकीय समारोह। तो यहाँ पर कोई थीम हमें नजर नहीं आया 2024 में जो बिहार दिवस मनाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर इसका थीम हमें जो पता है ये अभी तक हमें मालूम नहीं है। और हमने कई जगहों पर देखा कि जो राजकीय समारोह जो आयोजित नहीं हुआ तो इस वजह से थीम भी जारी नहीं हुआ। तो अगर आपको मालूम है इसका थीम क्या तो आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल हमें जो जानकारी है इसका थीम कोई नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पर इसके अतिरिक्त अन्य चीजें जो है वो हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली प्रश्न में जिसकी हमने चर्चा किया है वो चीजों को हमने यहाँ पर रखा है। प्रश्न में हमने पूछा कि बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है, ठीक है। देखिये 13 वर्ष पहले 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की जो साक्षरता दर थी वो 61.8% थी, जिनमें की 71.20 पुरुष और साथ साथ 51.50 महिलाएं साक्षर थी। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के आधार पर ये 74.04% थी, जिनमें की 82.14% पुरुष और महिला जो थी ये 65.46% साक्षर थी यहाँ पर पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो। देखिए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य सबसे साक्षर जो जिला है बिहार में ये रोहतास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हम बात कर रहे हैं बिहार की, आप लोग इंडिकेट कर लीजिएगा बात हम लोग कर रहे हैं बिहार की। तो आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास और सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया। अच्छा रोहतास की बात हुई है, एक तो ओवरऑल कैटेगरी में देखें तो रोहतास इसमें सबसे आगे रहा, लेकिन दो वर्ग अगर पुरुष और महिला वर्ग की दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे में भी रोहतास सबसे आगे रहा साक्षरता के मामले में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना को लेकर दो तीन पॉइंट है, जैसे कि 2011 में हुई जनगणना 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 में ही पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, हालांकि आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी, और प्रथम समकालिक जनगणना भी इसे कहा जाता था। मतलब ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी जानकारी है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक नीम का शहद के लेखक या फिर लेखिका कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक की अगर हम बात करें लेखक की तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजवर्धन आजाद, विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिया लिखित पुस्तक नीम का शहद के लेखक विधान परिषद सह नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आजाद है, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट के अनुसार कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आपको ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर होगा 2070 तक। ये नवीनतम रिपोर्ट है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखना है।
देखिए यहाँ पर हमने आगे लिखा कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कार्बन उत्सर्जन की कमी की रणनीतियों पर मसौदा रिपोर्ट जारी किया। यह 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि नेट जीरो प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, जो कि भारत सरकार का भी लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना, तो इसी के अनुरूप है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किसी प्रकार के आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें और भी आप लोग देखेंगे, जैसे कि इस रिपोर्ट में जो कहा गया, इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय कार्बन उत्सर्जन में बिहार का जो वर्तमान योगदान है ये मामूली है। दरअसल 2018 में भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो लगभग था ये 3.3% था। और आपको ध्यान रखना, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ये बिहार जो इसमें था, इसमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे है, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा मतलब कर सकते हैं स्थिति में बिहार। लेकिन इसके बावजूद भी बिहार सरकार ने ये इसका लक्ष्य इसके भारत के अनुरूप रखा कि 2070 तक ये नेट जीरो का लक्ष्य यहाँ पर हासिल किया जाएगा, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP26 का जो आयोजन था ये 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया था। और यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहीं पर भारत सरकार ने ये नेट जीरो का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो इस लिहाज से ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया, बताएं कि अब बिहार के किस जिले में अवस्थित है ये अस्थावा रेलवे स्टेशन का जो उद्घाटन किया गया था या फिर लोकार्पण जो किया गया था ये नालंदा जिले में है। विकल्प नंबर बी यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हाल ही में 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी कि वर्चुअली नालंदा जिले के बिहार शरीफ में अस्थावा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया था। अब यहां पर देखिए वही चाहिए, ये तो जानकारी बस इतना ही है, बस ये अस्थावा रेलवे स्टेशन खबरों में था, ये ध्यान रखिए बिहार शरीफ में आता है जो कि नालंदा जिले का एक भाग है। और पूर्व मध्य रेलवे को लेकर जो जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया था वही चीजें यहाँ पर हमने रिपीट किया है, तो इसे एक नजर देख लीजिए। ये प्रश्न है कि हाल ही में की स्थिति को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का या फिर इसकी शुरुआत हुई, तो आपको ध्यान रखना विकल्प नंबर बी यानी कि 9 मार्च 2024 को इसकी शुरुआत हुई है। संबंधित तथ्यों को यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है कि 9 मार्च 2024 को बिहार म्यूजियम पटना में नारी शक्ति को दर्शाने वाली रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी की शुरुआत हुई और ये प्रदर्शनी 31 मार्च 2024 तक संचालित हुआ। 9 मार्च को इसकी शुरुआत हुई थी, 31 मार्च तक ये संचालित हुई। अच्छा, इसका जो कह सकते हैं इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है ये बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया। बिहार संग्रहालय को आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकार से ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक पटना संग्रहालय अलग है, पटना म्यूजियम जो है बिहार में वो अलग है, और बिहार म्यूजियम यानी कि बिहार संग्रहालय वो अलग है, दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे कि बिहार के 22वें व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में 7 से 11 मार्च 2024 तक कहाँ के दौरे पर थे, करेक्ट आंसर होगा वे लंदन दौरे पर थे, और ये क्यों लंदन दौरे पर थे आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए 7 से लेकर 11 मार्च 2024 तक वे लंदन इंग्लैंड दौरे पर थे, और आपको ध्यान रखना है इस क्रम में वे 8 मार्च 2024 को साइंस म्यूजियम लंदन का परिभ्रमण किए। दरअसल इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइंस म्यूजियम लंदन की विशेषताओं की खास करके यहाँ पर जानकारी ली। इसका उद्देश्य यह है कि नीतीश कुमार के अनुसार पटना में बन रहे साइंस सिटी को उसी के अनुरूप बनाया जाएगा। जो पटना में साइंस सिटी का निर्माण होना, ये चीजें बरसों से बातें चली आ रही है लेकिन अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो ये ध्यान रखिए इसी के अनुरूप जो लंदन दौरे पर थे नीतीश कुमार के आधार पर यह कहा गया है कि इसी के अनुरूप यहाँ पर ये बनेगा साइंस सिटी। फिलहाल ये ध्यान रखिए 8 मार्च को ये दौरे पर थे, मतलब कुल मिला के 7 से 11 मार्च तक ये लंदन दौरे पर थे और 8 मार्च को यहाँ पर ये मतलब इसमें कह सकते हैं परिभ्रमण किए थे ये लंदन म्यूजियम का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 12 से 16 मार्च 2024 तक पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम कीर्ति का आयोजन किया गया, बताएं कि बिहार की राजकीय खेल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है, ये तो खेल वाला तो सभी लोग जानते हैं कि खेल जो बिहार की है कबड्डी है राजकीय खेल, लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअली आगे लिखा गया है मतलब पहले कि 12 से 16 मार्च 2024 तक ये जो पटना में यानी पाटलिपुत्र खेल परिसर में एक खिलाड़ियों की प्रतिभा खोज कार्यक्रम जो आयोजित किया गया इसका नाम दिया गया था कीर्ति, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर देखिए आपको इसको लेकर कुछ जानकारी दे दूं कि जो बिहार की राजकीय खेल को लेकर एक्चुअली प्रश्न पूछा गया है कि राजकीय खेल है कबड्डी, और कबड्डी में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 7 कोर्ट में होते हैं बाकी 5 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं, और कबड्डी महासंघ के हिसाब से कबड्डी जो कि स्पोर्ट खेला जाता है इसकी जो लंबाई होती है ये आपको ध्यान रखना है 13 मीटर × 10 मीटर होता है, और बिहार राज्य स्तरीय कबड्डी टीम का जो नाम है यह है पटना पैरेट्स, ये भी ध्यान रखें। आगे कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं, यहाँ पर देखिएगा
ये चीजें आपको ध्यान रखना है। चौथा जो खास करके खेलो इंडिया इंडस्ट्री गेम्स आयोजित हुआ था 19 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक, ये पूर्वोत्तर 7 राज्यों में इसका आयोजन हुआ था। और बिहार के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ से निकलकर सामने आता है, इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के महिला कबड्डी टीम ने एक कांस्य पदक जीता था। यानी कि इस पूरी प्रतियोगिता में बिहार को एक ही पदक मिला, वो भी कांस्य पदक, और ये दिलाया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की महिला कबड्डी टीम ने। और आपको ध्यान रखना है कि इस पदक तालिका में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के अंतर्गत ये बिहार जो था ये 115वें स्थान पर था, बिहार का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार के खेलों की बात हो रही है तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है, रविंद्रन संकरण महानिदेशक है और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो गांधी मैदान में झांकी निकाली गई थी, ये मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित थी और इसे द्वितीय पुरस्कार मिला था। ये चीजें अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। अच्छा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथे संस्करण को लेकर यहाँ पर जानकारी है, इसमें आपको ध्यान रखना, आयोजन हुआ था 19 से लेकर 29 फरवरी तक। इसका जो उद्घाटन आयोजित हुआ ये कह सकते हैं गुवाहाटी असम में, हालांकि ये पूर्वोत्तर 7 राज्यों में आयोजित हुआ। इसमें आपको ध्यान रखना असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा में। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना, इसका शुभंकर था अष्ट लक्ष्मी। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर रही, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तीसरे स्थान पर और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ये रहा 115वें स्थान पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 मार्च 2024 को बिहार कैबिनेट के विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार के नए कृषि मंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, मंगल पांडे अब बिहार के नए कृषि मंत्री। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 फरवरी 2024 को नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद हाल ही में 15 मार्च 2024 को बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कि 21 अन्य मंत्रियों को विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी दी गई। और आपको ध्यान रखना इन सभी को राजभवन में राजेंद्र मंडपम में वर्तमान में जो बिहार के राज्यपाल हैं उन्होंने इन्हें मतलब मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक्चुअली हम आपसे यहाँ पर पूछ रहे थे कि कृषि मंत्री कौन बने हैं, तो कृषि मंत्री बने हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे, इन्हें यह विभाग सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त परिवहन मंत्री शीला कुमारी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, लोक कला एवं लोक संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, गृह मंत्री नीतीश कुमार और साथ में मुख्यमंत्री भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये जरूर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सारी चीजों को आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, आपको लगता है हल्का लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे आते हैं कई बार यहाँ पर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है बहुत लोग। देखिए बिहार के किस जिले की खुशी कुमारी ने हिमाचल प्रदेश की नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया है? बिहार के किस जिले की रहने वाली है खुशी कुमारी? तो विकल्प नंबर डी यानी कि पटना की खुशी कुमारी ने यहाँ पर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक अपने नाम किया है। अच्छा, बिहार में दो खिलाड़ी है खुशी कुमारी नाम की, एक तो औरंगाबाद की है और एक पटना की है, दोनों जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश की नगरोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दानापुर पटना की खुशी कुमारी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये वेटलिफ्टिंग से संबंधित है, आपको ध्यान रखना, ये जो खुशी कुमारी की बात कर रहे हैं पटना वाली, ये वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप से संबंधित है, जबकि एक औरंगाबाद की जो है वो आपको ध्यान रखना है वो वॉलीबॉल से संबंधित है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना उन्होंने 55 kg जूनियर कैटेगरी में यह उपलब्धि हासिल की, यानी कांस्य पदक उन्होंने अपने नाम किया माता जी के साथ, आप यहाँ पर उन्हें तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, बिहार राज्य जो कैबिनेट विस्तार हुआ और सुरेंद्र मेहता बिहार के नए खेल मंत्री हैं, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन संकरण, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अच्छा, यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, दानापुर पटना की रहने वाली है, यहाँ पर हमने लिखा है एक जगह पर दानापुर पटना की, अच्छा यहाँ पर कहाँ तो मैंने लिखा था, हाँ यहाँ पर दानापुर पटना की रहने वाले खुशी कुमारी। तो दानापुर की बात हुई तो एक जानकारी जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पर नीचे हमने लिखा है कि भारत की पहली किसान रेल जो कि 8 अगस्त 2020 को देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चलाई गई थी, ये भारत की पहली किसान रेल थी जो कि 8 अगस्त 2020 को चली थी दानापुर बिहार से लेकर देवलाली महाराष्ट्र के बीच। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए हालिया महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर जो खास करके बिहार से बिहार के संदर्भ में खेल से संबंधित है, ये चीज अभी हम आपको पूरी की पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर दे चुके हैं, इसलिए हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार गृह विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, प्रत्यय अमृत को भी हाल ही में ये बिहार गृह विभाग का मुख्य अपर सचिव नियुक्त किया है इलेक्शन कमीशन ने। यहाँ पर वही चीज लिखा गया है कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रत्यय अमृत को बिहार के गृह विभाग का मुख्य अपर सचिव नियुक्त किया है। दरअसल आपको ये भी ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग ने
चुनाव आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के पद पर जो तैनात थे वो थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्हें पद से हटाया गया और प्रत्यय अमृत को बिहार के गोपाल, जो कि प्रत्यय अमृत को जो थी नियुक्ति भी इन पद पर, ये ध्यान रखें, और ये बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। पहले इस पद पर थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, निर्देश दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें पद से हटाया जाए और उसे पद से हटाते हुए इस पद पर नियुक्ति भी प्रत्यय अमृत की, जो कि बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं। आगे यहाँ पर हमने कुछ और भी चीजें आपको यहाँ पर जानकारी पर्पस आपके समक्ष रखा है, जैसे कि 2 मार्च 2024 को 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ जानकारी और भी है, जैसे कि बात यहाँ पर अगर हम करें गृह विभाग की, तो आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में है नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने अंदर गृह विभाग भी रखा है, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहार के गृह मंत्री वर्तमान में कौन है, तो नीतीश कुमार ही गृह मंत्री हैं बिहार के वर्तमान में। आगे और भी कुछ पॉइंट है कि नीतीश कुमार नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं 28 जनवरी 2024 को, ये तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, हालांकि दो उप मुख्यमंत्री भी हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, आप वहां पर देख रहे हैं, सिंह नहीं बल्कि सिन्हा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले तीसवें प्रश्न पे कि हाल ही में 20 मार्च 2024 को विश्व गोरैया दिवस मनाया गया, बताएं कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है, जो विकल्प दिया गया इसके आधार पर यह बिहार की राजकीय पक्षी है, अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है लोगों को गोरैया के प्रति जागरूक करने के लिए और जागरूकता बढ़ाने और इसके संरक्षण को ध्यान रखते हुए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2010 में मनाया गया था। 2024 में जो गोरैया दिवस मनाया गया इसका थीम था गोरैया उन्हें ट्वीट का मौका दे। 2023 में जो गोरैया दिवस मनाया गया था इसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखें। आगे आते हैं यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी बिहार को लेकर के है, जैसे कि बिहार की जो राजकीय पक्षी ये गोरैया है, राजकीय पशु जो है ये बिहार की बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय मछली देसी मांगुर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार का जो राजकीय चिन्ह है ये क्या, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार की राजकीय चिन्ह है। तो यहाँ पर खास करके इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है राजकीय चिन्ह को लेकर, जो खास के विभिन्न कैटेगरियों में हमने यहाँ पर आपको दर्शाया है। चलिए 31वां प्रश्न है कि हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है, बताएं कि बिहार के संदर्भ में या फिर बिहार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, हमें गलत कथन की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर विकल्प जो दिए हैं सभी को ध्यान से देखिएगा। पहला विकल्प है 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था बिहार, बिहार के संदर्भ में यहाँ पर पॉइंट लिखे गए हैं, तो 1912 में भारत का 12वें राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था, ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे हमसे पूछा गया असत्य की पहचान करना। अगला 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा राज्य बना, ये भी बिल्कुल सत्य है। 2010 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, 2010 नहीं बल्कि 2000 में, 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, ये भी सही है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। अगला है कि बिहार दिवस 2024 की थीम है जल जीवन हरियाली, तो यही असत्य है, क्योंकि 2024 वाला जो थीम है अभी हमने रीजन आपको दिया था, कोई भी राजकीय समारोह आयोजित नहीं हुआ जिस वजह से इसका थीम निर्धारित नहीं है। हालांकि जल जीवन जो हरियाली यहाँ जो आपको लिखा गया है जो थीम है, ये 2022 में जो बिहार का 110वां स्थापना दिवस मनाया गया था उसका थीम था, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हुआ। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि बिहार दिवस या फिर बिहार स्थापना दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, 2024 में इसका 112वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 111वां स्थापना दिवस का इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, जो कि 2023 में मनाया गया था, जबकि 110वां बिहार दिवस जो कि 2022 में मनाया गया इसका थीम था जल जीवन हरियाली, तो ये यहाँ पर दोनों हमने रखा है, 2024 वाला निर्धारित नहीं है अभी तक, तो यहाँ पर हमने नहीं रखा है। आगे हम बात करें बिहार सरकार के द्वारा बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन 2010 से किया जा रहा है, वर्ष 2012 में बिहार का शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया, 12 मार्च 1922 को बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हालांकि बिहार दिवस की जो शुरुआत हुई थी मनाने की, मतलब कह सकते हैं एक राष्ट्रीय राजकीय त्योहार के रूप में, इसकी शुरुआत नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2010 में किया गया था, यह भी ध्यान अवश्य रखिएगा। ये वही ईस्वी है 2010 जब डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जहां राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, तो करेक्ट आंसर का विकल्प नंबर डी यानी कि सभी 38 जिलों में। देखिए यहाँ पर आपको इसको लेकर मैं जानकारी दे दूं कि राज्य के कलाकारों को सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा शास्त्रीय नृत्य संगीत वाद्य यंत्र एवं
अन्य संबंधित विषयों का प्रशिक्षण उनके गृह जिला में ही मिल सकेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने सभी 3800 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। ये घोषणा किसके द्वारा किया गया, तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया। और यहाँ पर इसको लेकर जो इसकी स्वीकृति दी गई है वो चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा, जो राशि का खास करके आवंटन किया गया, जो स्वीकृति दी गई है, आप लोग चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा एक शब्द, ये तो आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र एक कह सकते हैं संस्था, एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, लेकिन एक शब्द अगर हम सिर्फ देखें आम्रपाली, इसको लेकर कुछ चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दरअसल आम्रपाली एक नगर वधु थी, एक कह सकते हैं नर्तकी थी। आप यहाँ पर देखिएगा आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के वज्जी संघ की लिच्छवी के प्रसिद्ध राज्य कह सकते हैं राज्य नृत्यांगना थी, ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है कि आम्रपाली जो थी कहाँ की नगर वधु थी, तो वैशाली की, वैशाली के जो वज्जी संघ की जो लिच्छवी की जो प्रसिद्ध है ये राज्य नृत्यांगना थी, और यहीं से प्रश्न राज्य होता है। कहा जाता है कि आम्रपाली अत्यंत ही सुंदर थी, जो कि उसे एक बार जो भी देख लेता था उस पर वो मुग्ध हो जाता था, और इसके कई चाहने वाले थे, कई राजाओं का नाम इसमें शुमार है, ये ध्यान रखिएगा। और इस चीज को जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, बौद्ध धर्म की बात हुई या फिर बौद्ध काल की बात हुई यहाँ पर जो अभी हमने लिखा, तो ऐसे में बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संगीति के बारे में चर्चा होती है, दो तीन पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि खास करके बौद्ध संगति इसमें से एक है, एक तो है त्रिपिटक को लेकर पूछा जाता है, और खास करके बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भगवान बुद्ध जो इसकी स्थापना की गई थी इसके द्वारा, तो उनके जीवन काल के बारे में पूछा जाता है, और इन तीनों में से एक इंपॉर्टेंट ये हो जाता है संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगृह में अजात शत्रु के शासन काल में, और उसी प्रकार से द्वितीय जो कि कह सकते हैं कालाशोक के शासन काल में, तृतीय जो खास करके पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी अशोक के शासन काल में, ये वाला ज्यादा पूछा गया, और इसके अतिरिक्त चतुर्थ, और ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम यहाँ पर समय देकर ये चीज आपको बतला रहे हैं। और ये मत सोचिएगा कि वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा होने से मत डरिए, एक ही जगह पढ़िए, एक ही बार समझ दीजिए, ताकि आपका पूरा प्रिपरेशन एकदम से निश्चित तौर पर सुनियोजित तरीके से हो जाए। बार बार अलग अलग सोर्स पर भटकने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ये चीजें यहाँ पर आपको जब मिल ही रही है तो आप कहाँ कहाँ भटकेंगे, ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है, ये रोड मैप संचालित है चौथा, विकल्प नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ। वही चीजें यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई बिहार सरकार के द्वारा, जो कि 31 मार्च 2028 तक ये संचालित होगी। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें कृषि विभाग समेत 12 विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर करीब 1,62,268.78 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि चौथे कृषि रोड मैप को लेकर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू खास करके बिहार दौरे पर थे, और अक्टूबर 2023 में बापू सभागार पटना में चतुर्थ कृषि रोड मैप को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया था, जो कि 2028 तक संचालित होगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखें, ये दोनों जानकारी खास करके मैंने आपको दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान आपको रखना है कि अनाजों के सर्वाधिक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है, ये चीजें आगे भी आप लोग देख पाएंगे, जैसे कि पहला कृषि रोड मैप, द्वितीय कृषि रोड और तृतीय कृषि रोड मैप, ये सभी सफलतापूर्वक संचालित हो चुके हैं, और इसका क्या उद्देश्य है ये भी आपको ध्यान रखना समझना है। ये नहीं कि ये चीज एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। तो चारों कृषि रोड मैप को लेकर यहाँ पर हमने जानकारी रख दिया है, आप लोग ध्यान रखिए और आगे चलते हैं। जो कृषि कर्मण पुरस्कार की हम बात कर रहे थे, तो कुल मिलाकर 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, 2011-12 में चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, 12-13 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, 2015-16 में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, 16-17 में भी मक्का के उत्पादन के लिए, और 17-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन में बिहार सरकार को या फिर बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि 30 मार्च 2024 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2024 के लिए पटना पुलिस में कार्यरत बिहार के किस लड़की का चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, जो कि एक गर्व का विषय है, और इनका नाम क्या है यही पूछा गया, तो राइट आंसर का विकल्प नंबर बी यानी कि अंजलि कुमारी। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, ये वीडियो आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, और इस कोर्स को लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया है, तो आप लोग बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए, निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प होगी। आइए आज के इस वीडियो के प्रश्न को देख लेते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2024 को
औरंगाबाद में आमस दरभंगा फोर लेन कॉरिडोर का शिलान्यास किया। बताएं कि यह बिहार के कितने जेलों से होकर गुजरेगी, इस प्रश्न की जानकारी इसी वीडियो में हमने आपको दिया है। आई थिंक आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा होगा और आपको ये मालूम होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि हमारा ये प्रयास, जिस तरह से चीजें हम आपको दे रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा और चीजें बहुत ज्यादा आपको सीखने में मतलब आनंद भी आ रहा, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको पसंद आ रही है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल भी हो रही है। तो अपने दोस्तों, सहपाठियों और साथ साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में हमारे बारे में जरूर चर्चा कीजिए और कंटेंट के बारे में बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार से कंटेंट मिल रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर हमें जुड़े और बेहतर तरीके से यहाँ पर उनको फायदा मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।